हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल सेम मार्केट कुकिंग। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे आप सभी के सामने एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगी जिसके बारे में आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हो। मैंने इस स्टॉक के बारे में आप सभी को बहुत बार बताया भी है और ये स्टॉक बहुत ही शानदार है। तो आइए गाइस, इस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत में इस स्टॉक के चार्ट को डिस्कस करके करूंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, 701 रुपये यानी कि 701 रुपीज़ पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आज की अगर बात कर ले तो आज है 31 मार्च 2023 और आज के दिन इस स्टॉक में बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली है 4.50% की। साथ ही साथ 30 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। इसी के साथ बीते 5 डेज़ की अगर बात की जाए तो 1.24% का रिटर्न है और 1 मंथ में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात कर लूँ तो भी यहाँ पे लगभग 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। और जनवरी से लेके अभी तक की बात कर ले तो भी गिरावट है। बट गाइस, 1 साल की अगर बात कर लूँ तो आप देख सकते हो 1 साल में इस स्टॉक में 15% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन गाइस, अगर इस स्टॉक में 15% की गिरावट हो भी रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक ख़राब है। बहुत ही अच्छा स्टॉक ये। और 5 ईयर्स की बात की जाए तो इस स्टॉक ने बीते 5 साल में 31.41% का रिटर्न दिया है और इसके मैक्सिमम रिटर्न आप देख ही सकते हो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कमाल के हैं, 19,057.10% के रिटर्न है। यानी कि जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अब तक इसने 19,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न प्रेजेंट किए हैं। तो गाइस, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा वेट तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक सिर्फ ऊपर ही जाता है, कहीं ना कहीं वो गिरता भी। आप देख सकते हैं यहाँ की अगर बात की जाए, तेज़ी देखिए, देन गिरावट, देन तेज़ी, देन अभी गिरावट, देन फिर यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही कमाल का स्टॉक है और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी बहुत ही यूनिक है। तो आइए गाइस, अभी इस स्टॉक के बारे में और भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स अगर मैं डिस्कस करूँ तो 63% एनालिस्ट ने सजेस्ट किया कि इन्वेस्टर इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं। और गाइस, ज़रूर आप लोग जानना चाहोगे किस स्टॉक के बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही है TTK प्रेस्टेज लिमिटेड के बारे में। और ये कंपनी करती क्या, तो किचन अप्लायंसेस वगैरह ये कंपनी बनाती है और इसके बहुत सारे कैटेगरीज हैं। आप देख सकते हो कुकर्स, गैस स्टोव, टोस्टर, मिक्सर एंड ग्राइंडर एक्सेट्रा ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है गाइस, और इन सब चीज़ों की डिमांड हमेशा रहने ही वाली है। बात करें पीयर कंपेयर की तो आप देख सकते हो वोल्टास, क्रॉम्पटन जैसे स्टॉक के साथ इस स्टॉक का यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। एंड गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो ऑल वैल्यूज़ इन रुपीज़ 1,000 करोड़ है। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 2.13 करोड़ था और कंपनी का प्रॉफिट 0.19 करोड़। 2020 में रेवेन्यू 2.10 करोड़ एंड प्रॉफिट 0.19 करोड़। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2.23 करोड़ एंड प्रॉफिट 0.24 करोड़। एंड 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 2.76 करोड़ एंड यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो है 0.30 करोड़। तो अच्छी खासी ग्रोथ है कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड में, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। नेक्स्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 70.41% का स्टेक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो 70.41% की है। और म्यूचुअल फंड का स्टेक है 13.11% का। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का स्टेक है 0.47%। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी अच्छा खासा स्टेक है 8.84% का। और रिटेल एंड अदर होल्डिंग है 7.17% की। तो वह इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। मार्केट कैप है 9,705 करोड़ का और स्टॉक पी है 35.3। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.5%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.8%। फेस वैल्यू रुपीज़ 1 है और डिविडेंड इल्ड है 0.86%। कंपनी का लो है 652, हाई आप देख सकते हो 1,051 रुपीज़ है और करंट प्राइस है 699। तो गाइस, इस स्टॉक में पोटेंशियल है। ये स्टॉक आप लोगों को बहुत ही जल्द अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ज़रूर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अभी जाइए और इन्वेस्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग यहाँ पर आराम से इस स्टॉक के में डिटेल से स्टडी करिए, देन यहाँ पर निवेश करिए। नेक्स्ट, यहाँ पर बैलेंस शीट को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले रिज़र्व देख लेते हैं कंपनी का।
2017 में रिजर्व था 842 करोड़ का, 2018 में 1008 करोड़, 19 में 1155 करोड़, देन यहाँ पे 2020 में 1292 करोड़, और फिर मार्च 2021 में 1491 करोड़, देन मार्च 2022 में 1716 करोड़, देन सितंबर में 1782 करोड़। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ है, और गाइस तभी रिजर्व हो सकता है जब किसी कंपनी के अर्निंग्स अच्छे हों। और बात कर ले बोरिंग्स की, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोरिंग्स लिखा हुआ है, और इसकी बात अगर की जाए तो गाइज आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2018 में 129 करोड़ का कर्जा था, देन 90 करोड़ कम किया बोरिंग्स को, देन 86 और कम किया, देन 84 करोड़, देन फिर यहाँ पे थोड़ा बढ़ता नजर आ 92 करोड़, देन 89 करोड़। तो गाइज कर्जा देखा जाए, बोरिंग्स देखा जाए तो बहुत ही कम है, तो ज़रूर कहना चाहूँगी स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस चाहो तो आप लोग जरूर टीटी के प्रेस्टीज जैसे स्टॉक को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। तो गाइस जैसा कि मैंने इस स्टॉक को कर लिया गूगल पे सर्च, और आप यहाँ पे देख सकते हो इसके कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अपने किचन की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो गाइस बिज़नेस काफ़ी बढ़िया, हमेशा चलते रहने वाला बिज़नेस है, तो ज़रूर आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को इस स्टॉक को ज़रूर डिटेल्स में स्टडी करनी चाहिए, एंड देन हो सके तो इसे अपने पोर्टफोलियो में जरूर यहाँ पे जगह देना चाहिए। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इस चैनल से मार्केट पीकिंग को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड टेक केयर।